हाँ ठीक कुछ बोला था नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला यात्रा। मेरा नाम है ब्रिजेश और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आप पर पहुंचती रहे। तो आज है नागपंचमी, आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों, नागपंचमी का जो त्यौहार है ना, वो सावन के महीने में आता है और इसमें नाग देवता की पूजा होती है। और इस पूजा में ना, जैसे नाग देवता को दूध, लावा, चने और मटर, ऐसे ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और दूध, लावा, चना है ना, ये पूरे घर में ऐसे छींटा जाता है, और मतलब घर के बाहर आसपास एरिया में भी छींटा जाता है, जिससे कि ऐसे मतलब मानते हैं कि नाग देवता इसको खाएंगे या जो भी है। और हमारे यहाँ भी नागपंचमी की पूजा करते हैं और हमने भी सुबह पूजा वगैरह किया था। दोस्तों ये देखो, अभी हम बना रहे हैं नाग की आकृति। ऐसे आज नागपंचमी है ना, तो नागपंचमी के दिन अपने घरों के ऐसे दरवाजे पे और जो पूजा घर का गेट होता है वहाँ पे, ऐसे जगहों पे ऐसे नाग की आकृति बनाते हैं। और ये बना रही है मम्मी। ये जितने बच्चे रहते हैं, बच्चों की सलामती के लिए ये जोड़ा बनाया जाता है। तो ये बना रहे हैं सूर्य। ये चंद्रमा। तो ये है हमारा फोक आर्ट, एक तरह से देखा जाए तो। हल। तो हल क्यों बनाते हैं? हल अपने किसानी करने के लिए होता है। ओ वाओ, इसी से पहले लोग किसानी करते थे। हाँ, तो ये हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान है। और ये बैलों के गले में जो बांधा जाता है, हाँ, ये जिसमें बैल पहले बांध के बैलों से जोता जाता था। बैल हमारे देवता है ना। तो जुआठा, हल और सूरज चांद बने हैं और ये ऐसे जोड़ा बनाया गया है जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं। अरे दोस्तों, तो अभी मम्मी से पूछते हैं, ऐसे नागपंचमी के बचपन में हमें ऐसे कुछ स्टोरियाँ सुनाती थी, कुछ कहानी होता है ये जो पूजा होती है ना, तो उसके लिए एक कहानी सुनाया था मम्मी ने बचपन में। तो अभी पूछते हैं वो कहानी क्या थी। अभी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, बट पूरा अच्छे से याद नहीं है, तो मम्मी बताएगी कहानी। ये त्यौहार के ऊपर एक कहानी है, नागपंचमी के ऊपर। कि एक बार लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से बोले कि हमारा रूप ये है, लक्ष्मण जी का रूप एक हमारा और रूप है, और देखोगी तो डर जाओगी। तो पत्नी बोली कि नहीं, हम नहीं डरेंगे, हमको दिखाइए। तो अपने रूप में आए, नाग रूप में। तो देख के डर गई, लोग देखने लगे, उनको लाठी डंडा लेके मारने लगे। भाग के पानी में गए बचने के लिए। तो वहाँ पर गई, वो उनको मटर और चना लेके, लावा लेके उन पानी में डालने गई कि भैया खाएंगे, पिटा गए हैं तो खाएंगे। तो खाएंगे। तो इस उपलक्ष पर गुड़िया बनाते हैं कपड़े का, और जो लड़कियां होती हैं वो सब लेके जाती हैं, पानी में फेंकती हैं, और सब बच्चे लोग, लड़के लोग पीटते हैं उसको पानी में डाल के। तो बचपन में ऐसे, मतलब ना, मैंने ये स्टोरी क्या मतलब बचपन में बहुत ज्यादा देखा है। इस टाइम पे क्या होता है नागपंचमी के दिन, मतलब लोग झूला वूला लगाते हैं, झूलते हैं, और ऐसे मेला ऐसा पूरा लगता है। पहले गांव में ज़्यादातर ऐसे मेला जैसा होता था, वो नदी तालाब के किनारे जाते थे और वहाँ पे ऐसे गुड़िया बना के ले जाते थे, और थाली में बहुत सारे चना मटर वगैरह ऐसे भिगा हुआ लेके जाते थे प्रसाद के तौर पे, और जो वो गुड़िया था ना उसको फेंकते थे, और फिर डंडे से खूब पीटते थे, इतना पीटते थे, पता नहीं शायद मम्मी ने भी पीटा होगा अपने बचपन में। तो जो लड़के लोग गुड़िया पीटते हैं उनको चना मटर देते हैं खाने के लिए। तो क्या प्रसाद होता है, ये विशेष त्योहार है हमारे यूपी का। वैसे खासकर यूपी में ये मनाते हैं, बाकी और स्टेट में भी मनाते होंगे, पता नहीं, अलग अलग तरीके से मनाते होंगे, बस हमारे यूपी में इस तरीके से नागपंचमी वगैरह मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज नागपंचमी के उपलक्ष में मम्मी से एक बार फिर एक गाना सुनेंगे अपन लोग, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मम्मी से गाना सुनना। तो आज नागपंचमी के उपलक्ष्य में एक सॉन्ग फिर से है।
ठीक है सुनाइए। देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी के माथे टीका सोहे, देवी के माथे टीका सोहे। बिंदिया लहरेदार देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी के गले में हरवा सोहे, देवी के गले में हरवा सोहे। फूलवा लहरेदार देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी के कान में झुमका सोहे, देवी के कान में झुमका सोहे। बलिया लहरेदार रामा, बलिया लहरेदार देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी के हाथों में चूड़िया सोहे, देवी के हाथों में चूड़िया सोहे। कंगना लहरेदार देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। देवी के अंगों में चोला सोहे, देवी के अंगों में चोला सोहे। चुनरी लहरेदार देवी कब देवू दर्शनवा, अब त चढ़ल समन माना। तो क्या बात है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था यार, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा और होप करता हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करें यार कि कैसा लगा आपको ये सॉन्ग। तो दोस्तों नागपंचमी त्यौहार पे ना ऐसे बहुत अच्छे अच्छे से पकवान बनाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया से। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छा अच्छा पकवान बना, हमने अभी ऐसे पूड़ी वूड़ी सब खाया था ऐसे, और हमारे यहाँ तो वो दाल वाली पूड़ी बनी थी और बहुत सारी चीज़ें, मम्मी को बहुत पसंद है दाल वाली पूड़ियाँ। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग के यहाँ भी ऐसे पकवान बने होंगे, और नहीं बने तो बनाइए और खाइए, मौज करिए, बहुत मज़ा आता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।